हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो हम आए हुए हैं जंगल में लकड़ी लाने के लिए, सर्दियों के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। वैसे मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत कर दी थी जल्दी ही, जब मैं उठी थी चलते टाइम। पर उस टाइम ऐसा था कि थोड़ा अंधेरा था तो ढंग से आ नहीं रहे थे, तो मैं अभी जंगल में लकड़ी निकालने के बाद ही ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। बाकी वीडियो में आपको पता लग जाए। बाकी आधे साथी हमारे इधर बैठे थे, वेट कर रहे थे। आजकल सभी इकट्ठे जाते जंगल में। इसलिए देखो देखो, भालू के डर की वजह से सभी इकट्ठे जाते जंगल में। सुबह सुबह देखो जंगल में जा रहे हैं धीरे डाले के। हम तो लकड़ी लाएंगे, भाभी वगैरह छान लाएंगे। ये रखा हुआ है मम्मी ने 2 दिन का लाया हुआ आधा इस बोरे में। और देखो आज तो बहुत ज्यादा लोग जा रहे हैं जंगल में। थोड़ी थोड़ी सुबह होने लगी अब तो, पहले जैसे तो थोड़ा अंधेरा ही था। तो इस रास्ते से जाएंगे हम, काफी दूर जाना है। अभी करेंगे हम बिछाऊं। ऊपर ऊपर तो अभी आने लगी है धूप, बाकी जंगल में इतना ठंडा नहीं है। आती बार ज्यादा ही ठंडा लग रहा था नाले में। हम निकालेंगे यहाँ पर लकड़ी, ऊपर से गिरी हुई है, और बाकी चले जाएंगे आगे। हम अपना बोझ लेके घर में चले जाएंगे। निकालते हैं अब। तो ये निकाली मैंने अपने लिए, और वहां पर मेरी बहन ने निकाली है, थोड़ी सी ऊपर है, वो ऊपर से फेंकेगी। तो अभी भरते बोझा फिर चल पड़ते। अभी 8 भी नहीं बजे हैं, लगता है 8:30 तक हम घर पहुंच जाएंगे। और धूप भी अच्छी खासी आ चुकी है यहाँ पर। तो अभी ऊपर की साइड में ना कोई गाना गा रहा है, वो भी पहाड़ी, जो पहले की औरतें गाया करती थी ना वैसे ही। अपनी बहन को लकड़ी पकड़ाती हूँ, फिर ये मुझे पकड़ाएगी, तब जल्दी हो जाता है बोझा बनने के लिए। घोड़े की वजह से आधे रास्ते से बोझा ही उठाना पड़ा, और गांव की औरतें भी बिछान लेके जा रही है घर। साढ़े 9।
थोड़ी देर पहले पता हमारे साथ क्या हुआ, हमने लकड़ी वगैरह निकाल दी थी ना, और बोझ भी लग पड़े थे भरने, तभी वहां से दो तीन औरतें आई बिछाने के, उन्होंने बोला कि ये लकड़ी तो किसी और की है, मतलब उन्होंने निकाली नहीं है, उन्होंने टीटी ली हुई है तो उनकी है। तो फिर हमको फिर से जंगल में तोड़ना पड़ा और लकड़ियां निकालनी पड़ी दोबारा से, मतलब डबल डबल मेहनत करनी पड़ी हमें आज। और अभी टाइम तो वैसे 9:30 का ही हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है, तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया, पानी भी थोड़ा सा पिया था और अभी प्यास ही लग रही है बहुत ज्यादा। तो मिलते हैं अब घर जाके, मेरी बहन आगे आगे चली, ये नीचे वाले पिछाव में बैठेगी, तो मैं भी चलती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भारी हो चुका है बोझा, इतना बड़ा बोझा डाला मैंने, एक्स्ट्रा लकड़ी होगी तो मैंने निकाली भी नहीं। फिर मैंने बोला चलो आराम आराम से पहुंचाऊंगी घर तक, मैं पहुंचूंगी तो आते जगह पर हमारी द्रोट आती है ना, वहाँ पे रखेंगे थोड़ी सी लकड़ी, तब चलते हैं घर। अब मोमेंट्स लेटर, अभी वैसे टाइम एक हो रहा, हमने जल्दी खा लिया था खाना जंगल से आते, जंगल से आने के बाद आधे घंटे के बाद हमने खाना खा लिया था। और ये लड़का देखो कैसी शरारत कर रहा है, पापा को बोलो पापा किसे करो बात है, पापा नानी कैसे लेती है नुकसान बताओ, गंदा नानू है तेरा, गंदा नानू, गंदी है इसकी नानी चीकू की, तेरी मम्मी भी गंदी है, गंदी है तेरी मम्मी, तेरे पापा भी गंदा, अच्छी पापा, गंदी पापा तेरा, अच्छी पापा, नो 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 नो। अभी हम जा रहे हैं राशन लाने के लिए, दीदी जी पीछे से लाई हुई है, पता नहीं आई भी है कि नहीं, हम रस्सी लेके पहुंच चुके हैं यहाँ पर ठंडी गुलाई के पास, और ना ठंडा बहुत ज्यादा है, घर में बैठ के नहीं लग रहा था, अब बाहर निकला है तो इतना ज्यादा ठंडा लग रहा है ना। मेरी बहन जा रही है पार्क में खेलने के लिए, ऐसे ठंडे में किसका मन करेगा खेलने का, तो ऐसे ही ठंडी हवा चली हुई है, ठंड की वजह से देखो फूल भी अभी ताजे के ताजे ही है, वरना हमारे घर के पीछे तो सारे मुरझा चुके थे। वाले फूल ना बहुत ज्यादा सुंदर लगे हुए, ये वाले भी, ये भी जो कि देखने में बहुत ज्यादा यूनिक लग रहे हैं, मतलब अच्छे लग रहे हैं।